आज हम बात करने वाले हैं दांतों में तेज दर्द होने के कारण और इसे ठीक करने के लिए 8 घरेलू उपाय। दांत में दर्द होना एक आम समस्या है, लेकिन कभी कभी इसका दर्द असहनीय हो जाता है। दांत के दर्द से कई बार चेहरे पर सूजन भी आ जाती है और सिर में भी दर्द होने लगता है। आमतौर पर दांतों में दर्द ज़्यादा गर्म या ठंडा खाना खाने, दांतों की सफाई न करने, कैल्शियम की कमी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर दांतों की जड़ों के कमज़ोर होने से भी हो सकता है। अक्ल दांत निकलने के दौरान भी दांतों में तेज़ दर्द होता है। दांतों में तेज़ दर्द होने पर ज़्यादातर लोग पेन किलर या एंटीबायोटिक दवाएं लेते हैं, लेकिन कुछ घरेलू उपाय से भी दांतों के दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए जानते हैं वो घरेलू उपाय जिन्हें करके आप अपने दांत के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1, लौंग। दांत दर्द में लौंग का उपयोग बहुत कारगर माना जाता है। लौंग को दांतों के नीचे दबा कर रखने से दर्द से आराम मिलता है। लौंग का तेल भी दांत दर्द में काफ़ी फायदेमंद होता है। नंबर 2, कच्चा लहसुन। लहसुन में एलिसिन कंपाउंड होता है जो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल गुणों से भरपूर होता है। दांत में दर्द होने पर कच्चा लहसुन चबाएं, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। नंबर 3, हल्दी। हल्दी को एक नेचुरल एंटीबायोटिक माना जाता है। हल्दी, नमक और सरसों के तेल का पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को उस दांत पर लगाएं जिसमें दर्द हो रहा है। हल्दी का ये पेस्ट दांत दर्द में दवा का काम करता है। नंबर 4, हींग। हींग का इस्तेमाल खाने में स्वाद और खुशबू के लिए किया जाता है, लेकिन ये कई तरह के घरेलू उपचार में भी फायदेमंद है। अगर आपके दांत में दर्द है तो चुटकी भर हींग को नींबू के रस में मिलाकर इसे रुई से दांत पर लगाएं, इससे दर्द कम हो जाएगा। नंबर 5, कच्चा प्याज। प्याज में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक, एंटी कार्सिनोजेनिक और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। यह मुंह के बैक्टीरिया को नष्ट करता है। जिस दांत में दर्द हो रहा है उसी दांत से प्याज के टुकड़े को धीरे धीरे चबाएं, आपको इससे बहुत ही आराम मिलेगा। नंबर 6, काली मिर्च। ज़्यादा गर्म या ठंडा खाने की वजह से होने वाले दांत दर्द में काली मिर्च तुरंत आराम देता है। इसके लिए काली मिर्च पाउडर और नमक को बराबर मात्रा में मिलाएं। अब इसमें कुछ बूंद पानी की डालकर इसका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को दर्द वाली जगह पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। इससे दांत दर्द जल्दी ही ठीक हो जाएगा। नंबर 7, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में भी एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। गुनगुने पानी में बेकिंग सोडा डालकर इससे कुल्ली करें, इससे दांत दर्द कम होता है। इसके अलावा आप गीली रुई में भी थोड़ा सा बेकिंग सोडा छिड़क कर इसे दर्द वाले दांत पर लगा सकते हैं। नंबर 8, अमरूद की पत्तियाँ। अमरूद के साथ ही अमरूद की पत्तियाँ भी बहुत ही फायदेमंद होती है। इनमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। दांत दर्द में अमरूद की ताज़ी पत्तियाँ चबाने से दर्द में आराम मिलता है। इसके अलावा आप इन पत्तियों को पानी में उबालकर ठंडा करें और इसमें नमक मिलाकर इससे कुल्ली करें। यह तरीका भी दांत दर्द में राहत देता है। अगर आप भी अपने दांत दर्द से परेशान हैं तो इस घरेलू उपाय को करके आप अपने दांत दर्द की समस्या को खत्म कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।